अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मटन दामपोत विद राइस। तो मटन दामपोत बनाने के लिए मैंने आधा किलो मटन लिया है, लौंग है, मोटी इलायची है, लहसुन प्याज है 3 मीडियम, 2 टमाटर हैं, हरी मिर्च हैं, नमक, अदरक और आलू हैं 2 बड़े साइज़ के, जिनको मैंने 4 टुकड़ों में काट लिया है। सबसे पहले मैंने कुकर में जो है वो दामपोत बनाना है, तो सबसे पहले मैं मटन जो है वो सबसे नीचे जो लेयर है वो मटन की लगाऊंगी। आधा किलो मटन डालेंगे, फिर उसके ऊपर मैं आलू, प्याज, साबुत, लहसुन, 3 से 4 हरी मिर्चें, लौंग, सब्ज़ी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, अदरक और नमक शामिल करके इसमें आधा कप जो ऑयल है वो शामिल करूंगी। 1 टमाटर रखूंगी, 1 टमाटर जो है वो मैं सबसे लास्ट पे जो सर्विंग करते हुए रखूंगी। तो आधा जो है वो आधा कप ऑयल लिया, नमक 1 चम्मच जो है वो इसमें शामिल करके, 1 कप पानी शामिल करके इसको 3 मिनट के लिए स्लो आंच पे मैंने रख देना है। कुकर हमने ऊपर से बंद करना है, प्रेशर जो है वेट भी ऊपर लगाएंगे, लेकिन 30 मिनट के लिए मीडियम से लो जो है वो हमने आंच पे दामपोत को रख देना है। साथ ही हम जो है वो चावल रेडी कर लेते हैं। 2 तेज़पत्ते, दालचीनी, मोटी इलायची, सब्ज़ी इलायची और लौंग, काली मिर्चें 5 से 6 अदद शामिल करेंगे। 1 मीडियम साइज़ की जो है वो प्याज शामिल करेंगे। इसको हमने कलर नहीं देना, जस्ट लाइट सा कलर हम देंगे, लाइट गोल्डन सा कलर जैसे ही आ जाएगा तो हम इसमें पानी शामिल करेंगे, क्योंकि हमें इसके साथ जो चावल हैं वो मतलब इस तरह के चाहिए कि उनका कलर जो है ना वो लाइट गोल्डन कलर का आए। तो इसमें फिर जब दामपोत जब रेडी होगा तो वो उसमें रखेंगे तो एक ज़बरदस्त सी लुक आएगी। तो अब इसमें मैंने थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया है, इसमें अदरक का पेस्ट 1 चम्मच शामिल किया है, नमक 1 चम्मच और हरी मिर्चें और काली मिर्चें डाल के तो मैं ये पुलाव जो है वो राइस जो है वो रेडी करूँगी। साबुत ज़ीरा लिया मैंने 1 चम्मच, वो शामिल कर दिया है। हरी मिर्चें इस पॉइंट में शामिल करूँगी जहाँ जब मसाला जो है वो भुन जाए। तो अब मसाला भुन गया है, इसको 2-3 दफ़ा चम्मच चला के और अब इसमें मैं पानी शामिल कर दूँगी। अगर आपके पास 1 बाउल चावल हैं तो आप उसमें 1.5 जो बाउल है वो पानी के शामिल करें। मेरे पास 1 था तो मैंने 1.5 शामिल किया, लेकिन उसके लिए चावलों को आधा घंटा भिगो के रखें। जैसे ही पानी को बॉयल आ जाए तो हम इसमें जो धुले हुए भीगे हुए चावल हैं आधा घंटा के लिए जो मैंने भिगो के रखे थे वो शामिल करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। इस पॉइंट में आप नमक चेक कर सकते हैं, अगर आपको नमक कम लगे तो आप डाल लें। यहाँ पर मैं आप काली मिर्च का पाउडर शामिल किया है, अगर आपका नमक जो है वो ठीक है तो आप कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको नमक कम लगे तो आपने यहाँ पर नमक शामिल कर लेना है। नमक चावलों में थोड़ा सा कम ही रखेंगे क्योंकि दामपोत भी है, तो साथ में जब उसके साथ मिला के खाएं तो फिर वो थोड़ा सा हमें तेज़ ना लगे, इतना रखें। अब हम चावल को दम देते हैं और अपना दामपोत जो हमने रखा था उसको भी चेक कर लेते हैं कि वो किस पॉइंट पे पहुँचे। चावल बड़े अच्छे से पक के जो है वो रेडी हो गए हैं, दामपोत भी जो है वो हमारा रेडी है, बस उसमें थोड़ा सा पानी है तो उसको हम सुखा लेते हैं और 1 लीमू उसमें निचोड़ देंगे और फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। ऐसे प्लेट में हम चावल डालेंगे और ऊपर दामपोत। गोश्त इतना अच्छा गल गया हुआ था कि चम्मच के साथ फ़ौरन से वो ऊपर चम्मच रखिए और वो टूट जाता है, इस तरह का मेल्ट मुंह में जाके मेल्ट हो जाने वाला गोश्त था। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आप दामपोत चावलों को इस तरह सलाद के साथ और ग्रीन चटनी के साथ सर्व करें, बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू।